हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 5 बज गए हैं। अब मैं द्वार में पानी डाल के सीधे आ गई हूँ ब्रश करने, क्योंकि मैं सुबह उठ के ही ब्रश करती हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं कल से शुरू की है गर्म पानी पीना। पहले सोचती थी कि गर्म पानी पी के, और जैसे सुबह पानी पीने से मुझे उल्टी हो जाता है, लेकिन मैं ठंडा पानी पीती थी। गर्म पानी पीने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आज मेरा पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। पानी पी के मैं आ गई हूँ विष्णु लोगों के पास। ये लोग का पिंजरा मैं अभी साफ कर दूंगी, फिर खाना दूंगी, क्योंकि ये लोग सुबह सुबह ही नहाते हैं। ये दोनों का नाम मैंने रखा है गोलू और विष्णु। इनको अभी पता चल गया है कि हमें अभी नहला देंगे, तो इसलिए चुपचाप बैठे हैं। ये है हमारी चुटकी सी टिंकल। ये बहुत प्यारी है, देखिए कैसे पकड़ के बैठी है, जैसे गिर जाएगी। नहीं गिरोगी बाबा, नहीं गिरोगी तुम। ये है हमारी जगन्नाथ, और मैं उसे छुटकी बुलाती हूँ। बहुत प्यारी है। अभी मैं उन लोगों का पिंजरा साफ कर दूंगी। ये जब नहाती है तब डरती है, नहीं तो सबको डरा के रखती है। ये तुरंत भीग जाती है, लेकिन बिस्लू लोग बिल्कुल नहीं भीगते हैं। मैं टिंकल का पिंजरा साफ कर रही हूँ और उसे नहा भी दूंगी। अब विष्णु और गोलू का बारी है। इनका पिंजरा साफ कर रही हूँ, फिर इनको नहा दूंगी। विष्णु को नहाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गोलू डरता है नहाने से। नहाने के टाइम में विष्णु हिलता भी नहीं है, लेकिन गोलू इधर उधर भागता रहता है। नहाना हो गया है ये लोगों का। अभी मैं उनको इधर रख दूंगी, थोड़ी सी पानी झाड़ लेंगे, फिर मैं उनको अंदर ले जाऊंगी। हस्बैंड जब काजू बादाम खा रहे थे तब तो ये लोगों को भी दिए थे, तो ये लोग काजू और बादाम खाए थे। अभी ये लोग थोड़ा सा सूख जाएंगे, फिर मैं उनको सूजी बना के दे दूंगी। पिंजरा के नीचे जो प्लेट दिया गया है उसमें मैं पेपर डाल देती हूँ, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। पेपर उठा के फेंक देने से बहुत आसानी से धो लेते हैं। गोलू अभी नहाया है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं तो मम्मा मम्मा बुला के पागल कर देता है। जब तक मैं नहीं बोलूँ तो चुप ही नहीं होता है। घर झाड़ू लगाने से पहले मैं ये लोगों का काम कर देती हूँ तो आसानी रहता है, नहीं तो ये लोग भी चिड़चिड़ा हो जाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेड मैंने ठीक कर ली थी, अब बस झाड़ू लगा दूंगी। पूरे घर में झाड़ू लगाने में मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता है। बेडरूम पे झाड़ू लग गया है, अब मैं मैट बिछा दूंगी। अब मैं दूसरे रूम पे भी झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि इसका बेड पे कोई सोता नहीं है, तो बेड झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रूम को ही साफ कर दूंगी। साफ हो गया है, लाइट ऑफ करके दरवाज़ा भी बंद कर दूंगी। अब इस रूम में भी ऐसे ही बेड ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस झाड़ू लगा दो और दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ पे बहुत धूल होते हैं। यहाँ का खिड़की हर टाइम खुला रहता है, और सामने रोड भी है, और हर टाइम गाड़ी जाना आना, तो धूल तो बहुत आ जाता है। मुझसे जल्दी झाड़ू नहीं लगते हैं, मैं पूरा धीरे धीरे साफ करती हूँ। झाड़ू लग गई है मेरी। अब मैं आ गई हूँ विष्णु लोगों के लिए सूजी बनाने, क्योंकि एक दिन बिस्किट खाते हैं एक दिन सूजी खाते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, रोज़ बिस्किट भी नहीं देती हूँ और रोज़ सूजी भी नहीं देती हूँ। ये सब खाने के बाद मैं उनको फ्रूट देती हूँ। सूजी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद दूध और पानी और जागरी पाउडर देती हूँ। चीनी नहीं देती हूँ,
अगर जागरी पाउडर ख़त्म हो गया हो तो मैं चीनी देती हूँ, नहीं तो बूढ़े लोग के लिए अच्छा होता है। नहा के आए हैं इसलिए चुपचाप बैठे हैं, नहीं तो हल्ला मचा देते अभी चिल्ला चिल्ला के। सूजी रोस्ट हो गई है, अब मैं पहले दूध डालती हूँ फिर पानी डालती हूँ, नहीं तो पहले पानी डालूँगी फिर दूध डालूँगी तो दूध फट जाता है। जागरी पाउडर सिर्फ यही लोग के लिए ही आता है, हम लोग के घर में कोई खाता नहीं है। अभी ख़त्म भी होने लगी है, फिर बोलना पड़ेगा कि ला दीजिए, नहीं तो ये लोग क्या खाएंगे। ये लोग को खाना ठंडा करके दे दूँगी, फिर मैं किचन साफ़ करने आ जाऊँगी। अगर किचन साफ़ करने लगी तो ये लोग का खाना लेट हो जाएगा, तो ये लोग का खाना सबसे पहले है। सूजी बन के तैयार हो गया है, अब मैं उसे ठंडा कर लूँगी। ये लोग का बर्तन भी नहीं धोई, मैं तो अड़ी सी पंखा के नीचे छोड़ दूँगी, ये लोग का बर्तन धो के ला दूँगी। तब तक बहुत धूप हो गया था और मुझे ज़्यादा धूप अंदर आए तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सारा खिड़की बंद कर देती हूँ। सूजी भी ठंडा हो गया था और मैं चेक कर रही हूँ कि ठीक से हुआ कि नहीं, अगर गर्म रहेगा तो वो लोग का मुँह जल जाएगा, तो मैं चेक करके ही देती हूँ। बर्तन भी धो के ले आई थी, अब मैं सबको दे दूँगी। टेस्टी बनी है बेबी, अच्छा लग रहा है? हाँ बेबी, बेबी बोल ना। ये जब तक नहीं सूखेगी तब तक नहीं खाएगी। खा ले बेबी, खा ले। कितना नींद आती है रे, खा ले बच्चा। तुम्हारा खाना हो गया टिंकल? टिंकल बेबी, हो गया तुम्हारा? अच्छा नीनी कर जाओ, नीनी कर जाओ बेबी। गोलू, तुम्हारा वाला खाया ना? हाँ, अब विष्णु का भी खा लोगे? छोड़ो, जितना खाते नहीं हो उतना गिराते हो। हाँ, आंखें दिखा रही हो बेबी? जाओ अपना वाला खाओ। नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं शैतान लड़का, नहीं नहीं। गोलू जाओ ऊपर जाओ, विष्णु का खाना गिरा दोगी वो क्या खाएगी फिर? जाओ उधर जाओ, जाओ उधर, उधर जाओ, जाओ। आराम से खा रहे हैं वो लोग, मैं अभी आ गई हूँ टेबल साफ करने। इतना आदत खराब हो गया है हम लोगों का, हम कुछ भी ला के टेबल पर ही रख देते हैं। इसलिए मेरी छोटी बहन बोलती है कि तेरा ना डाइनिंग टेबल को श्राप लगा है, ये कभी खाली नहीं रहेगा। सचमुच ये कभी खाली नहीं रहता है, कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। तो टेबल को मैंने साफ कर ली है, अब मैं आ गई हूँ मशीन को चलाने, क्योंकि सारे कपड़े मैं डाल दी थी, अभी सिर्फ सर्फ दे के चला दूँगी। धूप भी आया है, जल्दी धो देगा तो बाहर भी डाल दूँगी तो सूख जाएगा। अभी तो पता नहीं चलता है कब धूप आता है, अभी धूप आ जाएगा अभी बारिश हो जाएगा, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कल मैंने सारे कपड़े बाहर टांग दी थी, तुरंत बारिश आ गया, पता नहीं चला, इतना ज़ोर ज़ोर से मतलब बारिश हुआ और इतना बड़ा बड़ा बूंद गिर रहा था कि सारे कपड़े भीग गए थे। सारा काम ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने। अब मैं सबसे पहले छोटे वाले बास्केट को निकालूंगी और बड़े वाले बास्केट डालूंगी, क्योंकि इतने सारे बर्तन होते हैं और इतना छोटा सा बास्केट। ये बास्केट ऊपर वाले रूम पे थी,
मैं ऊपर वाले रूम जाती नहीं हूँ और याद भी नहीं आता है निकालने के लिए, तो सबसे पहले मैं आज यही काम की। अब मैं धुली हुई बर्तन को रख दूँगी, क्योंकि कल रात को ये सब धो ली थी मैं और इधर उधर रख दी थी, तो उसको रख दूँगी फिर बर्तन धोने चली जाऊँगी। सारे बर्तन रख दिए मैंने, अब मैं किचन काउंटर पहुँच लूँगी। सारे बर्तन मैंने धो लिए, अब मैं पूजा वाले बर्तन धो रही हूँ। सारा काम खत्म हो गया है मेरा, मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अब मैं थोड़ी सी पानी पीऊँगी बैठ के आराम से। पानी मैंने पी ली है, अब मैं आ गई हूँ मिर्ची तोड़ने। हम लोगों के ने छोटा सा एक मिर्ची का पौधा लगाया था, वो अभी इतनी मिर्ची होने लगा है कि हम लोग को खरीदने नहीं पड़ रहा है। रोज़ 8-10 तो मिर्ची निकल ही जाता है, एकदम फ्रेश वाला मिर्ची। जितना ज़रूरत होता है मैं इतनी तोड़ती हूँ, सारा नहीं तोड़ लेती हूँ। मिर्ची मैंने तोड़ ली है, देखिए कितनी सारी मिर्ची तोड़ा है मैंने, कितनी सुंदर मिर्ची है। बहुत दिन हो गए हैं बालों पे तेल नहीं लगाए, तो मैं आज थोड़ी सी तेल लगा लूँगी। कल गुरुवार है तो मैं सर धो लूँगी। नहा के आ गई हूँ मैं, थोड़ी सी तैयार हो जाऊँगी फिर पूजा करने चली जाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ पूजा घर में, भगवान जी को फूल चढ़ा दूँगी फिर आरती कर लूँगी। पूजा हो गई है मेरी और मैंने नाश्ता भी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ कल जो कपड़े भीग गए थे उसको धूप में डालने, क्योंकि बिना धूप में जो सूखता है ना वो कपड़े में बहुत स्मेल आते हैं,
तो अभी थोड़ा सा धूप आया है तो मैं धूप में डाल दूंगी। सारे कपड़े मैंने धूप में डाल दी है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैंने पहले से ही सब्जी को काट के तैयार रखी थी, तो मैं आज तुरंत खाना बना लूँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो आज बनेगा भिंडी की सब्जी, करेला भुजिया, दाल और कुछ नहीं, चावल मैंने बना दी है। भिंडी मेरी बन गई है, अब मैं उसे निकाल दूंगी और इसी कढ़ाई में ही करेला को भूंज लूंगी। दाल भी मेरी पक गई है। मैं मसूर की दाल बनाई थी तो एक सीटी लगा के छोड़ दी थी क्योंकि मसूर की दाल ज़्यादा गल जाने से अच्छा नहीं लगता है। और इधर मैं आमसी और मिर्ची को डाल रही हूँ गर्म पानी में। दाल को भी मैंने तड़का लगा दिया। करेला का भुंजिया भी हो गया है। अब मैं विष्णु लोगों को खाना निकाल दूँगी, फिर मैं खुद भी खा लूँगी। यह है आज की मेरी लंच की थाली। आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। बाय।